हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सवेर दीआं मुख खबरां दे विच। आओ लड़ीवार गल करदे आं पंजाब ते दुनिया दीआं मुख वड्डीआं खबरां दी। वीडियो शुरू करन तों पहलां लाइक ते शेयर जरूर कर दिओ ते साडे नाल जुड़े रहण लई तुसी चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। ते अज दी पहली वड्डी खबर है, डिग्गी इमरान खान दी सरकार बेभरोसगी मते दे पक्ष विच पईआं 174 वोटां। तां दोस्तों पाकिस्तान दे विच चल रही सियासी अस्थिरता विचाले हुण इमरान खान की सरकार डिग गई है। पाकिस्तान की संसद दे विच इमरान खान के खिलाफ बेभरोसगी मते ते हुई वोटिंग दे विच उन्हां दी सरकार हार गई है। इमरान खान के खिलाफ 174 वोटां पईआं ने। इमरान खान की पार्टी के संसद मैंबरां ने वोटिंग का वाइकट किया है। दस दईए कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोलन का फैसला किया सी, क्योंकि नैशनल असैम्बली के स्पीकर आसद केसर ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ बेभरोसगी मते दे वोटिंग की इजाजत नहीं दिती सी। अजिहे दे विच अदालत दे हुक्मां तों बाद अद्धी रात नूं बेभरोसगी मते ते वोटिंग हुई है। तो हुण जदों इमरान खान की सरकार डिग गई है तो पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ हो सकते हैं। विरोधी धिर के प्रधानमंत्री अहुदे दे लई शाहबाज शरीफ के चेहरे नूं अगे किया गया। पाकिस्तान दे विच अज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। इमरान खान पहले अजिहे नेता हैं जिन्हां नूं बेभरोसगी मते राही प्रधानमंत्री दे अहुदे तों हटाया गया। अगली खबर है, किसानां दे लई वड्डी खुशखबरी, इस दिन किसानां दे खाते विच आउणगे 2-2 हज़ार रुपए। तां दोस्तों प्रधानमंत्री सन्मान निधि योजना की 11वीं किस्त जल्दी ही किसानां दे खात्यां विच ट्रांसफर कर दी जाएगी। जेकर तुसी अजे तक इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो तुरंत तुसी इस दे लिए रजिस्टर करवा लवो। अप्रैल महीने के अंत तक सरकार किसानों के खात्यां विच 2-2 हज़ार रुपए ट्रांसफर कर सकती है। अगली खबर है, राजा बड़िंग लाए गए पंजाब कांग्रेस के नवे प्रधान। तो दोस्तों पंजाब विधानसभा चोणां दे विच करारी हार तो बाद कांग्रेस के वलों पार्टी की दिख बदल की कोशिश की जा रही है। इस कवायद के हुण ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की प्रधान सोनिया गांधी के वलों नवीं नियुक्तियां की जा रही ने। इस तहत सबका ट्रांसपोर्ट मंत्री और गिदड़वाहा तो विधायक अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग नूं पंजाब कांग्रेस का नवा प्रधान नियुक्त किया गया है। इस दे नाल ही भारत भूषण आसू नूं कार्यकारी प्रधान लाया गया। तो इस तों इलावा प्रताप बाजवा CLP लीडर ते डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल नूं डिप्टी CLP लीडर नियुक्त किया गया है। अगली खबर है, CM भगवंत मान ने SGPC प्रधान नूं लिखिया पत्र, कहा गुरबाणी दे प्रसार लई पंजाब सरकार नूं दित्ती जावे मंजूरी। तो दोस्तों सिख कौम दीआं भावनावां नूं मुख रखदिआं भगवंत मान की सरकार ने बहुत ही अहम उपराला शुरू किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्रोमणी कमेटी नूं श्री हरिमंदर साहिब तो गुरबाणी के वक् वक् संचार प्लेटफॉर्मां ते प्रसारित करन दी इजाजत देन दी अपील की है। भगवंत मान ने कहा कि उन्हां दी सरकार हर संभव सहायता देण अते इस दे खर्चे चुकण दे लई तैयार है। भगवंत मान ने कहा कि उन्हां दी सरकार प्रसारण दे लई हरिमंदर साहिब दे विखे आधुनिक प्रसारण जां फिर संचार तकनोलॉजी लियाउण दे लई तैयार है। इस समय एक निजी TV चैनल ते गुरबाणी का प्रसारण हो रहा है। अगली खबर है, एक्शन मोड दे विच भगवंत मान सरकार सोमवार नूं इन्हां 419 निजी स्कूलों नूं होवेगी फीसां दी जांच। तो दोस्तों निजी स्कूलों ते फीस ढांचे की पड़ताल करन दे लई बनाईआं गईआं टीमां ने काम शुरू नहीं कर सकियां, पर दस्सिया जा रहा कि सरकारी छुट्टियां करके यह काम हाले तक शुरू नहीं होया सी, पर सोमवार तो जांच पड़ताल का काम शुरू हो जाएगा। सिक्ख्या विभाग के अधिकारियों का कहना कि टीमों को हदायतें जारी कर दित्तियां गईयां ने कि सोमवार तो काम आरंभ शुरू किया जाए। बेशक पंजाब सरकार इस काम को पारदर्शिता से जल्दी नबेड़न की ताक दे विच है, पर जेकर वाकई यह काम तेजी नाल चलता है तो जल्दी ही यह काम 419 स्कूलों के उत्ते फीसां की जाँच का नेपरा सिरे चढ़ेगा। अगली खबर है, अगे भी दो टर्मां दे विच होणगीआं CBSE दीआं 10वीं अते प्लस 2 दीआं बोर्ड प्रीख्यावां। तां दोस्तों तुहानूं दस्सीए कि CBSE ने भावें कोविड संकट की मौजूदा स्थिति नाल निपटण दे लई
दसवीं ते प्लस टू दीयां बोर्ड प्रीख्यावां नूं दो टर्मां विच करवाउण वर्गा कदम चुक्किआ पर हुण इह पहल अगे वी जारी रहेगी। अगली खबर है, देश विच करोना दे 1150 नवें मामले ते 83 जणिआं दी मौत। तां दोस्तों तुहानूं दस्सीए कि देश दे विच पिछले 24 घंटिआं दे दौरान करोना वायरस दे 1150 नवें मामले सामने आए ने ते जिस नाल इस लाग तों पीड़ितां दी कुल गिणती 4,30,34,217 हो गई है। इस समय 11,365 केस सरगर्म ने। इस लाग दे नाल बीते एक दिन अंदर 83 लोगों की जान गई है। करोना तो मरण वालों का जो कुल अंकड़ा है 5,21,656 हो गया है। अगली खबर है, विश्व बाजार दे विच कणक 35 रुपए किलो, नवजोत सिद्धू। तो दोस्तों रूस और यूक्रेन के विचाले चल रही जंग के दौरान भारत कोल होरना मुल्कां विच कणक की बरामद का बड़ा मौका है जिसका लाहा भारत को मिलेगा। यह गल्लां पंजाब कांग्रेस के सबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहियां ने। उन्होंने ट्वीट करदिआं कहा कि संकट वेले कई मौके भी पैदा होंदे ने। इस वेले रूस और यूक्रेन जंग दौरान कणक के विश्व बाजार विच एक वड्डी थां खाली हो गई है। रूस और यूक्रेन दोवें ही विश्व बाजार विच कणक के बड़े बरामदकार विच शामिल ने। इन्हां विचों लगभग 25% हिस्सा विश्व बाजार विच बरामद राही पाया जांदा है। नवजोत सिद्धू ने कहा कि कणक दा इस टाइम विश्व पद्धर दे विच 3500 रुपए क्विंटल ते 35 रुपए किलो दे हिसाब नाल बिकेगा। अगली खबर है, देश वासियां ते होर पएगी महंगाई दी मार। रिजर्व बैंक ने महंगाई दर दा अनुमान वधा के 5.7% कीता। तां दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय साल 22-23 दे लई परचून महंगाई दर दा अनुमान वधा के 5.7% कर दिता है। केंद्रीय बैंक ने यह कदम कौमांतरी तनाव कारण कीमतों में वाधे कारण चुकिया है। हालांकि रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि हाड़ी दीयां चंगीयां फसलां कारण अनाज ते दालां दीयां कीमतां हेठां आउणगीयां। अगली खबर है, 12 अप्रैल नूं अमित शाह नूं मिलणगे सीएम भगवंत मान। तो दोस्तों तुहानूं दस्सीए कि सीएम भगवंत मान ते राजपाल दे वल्लों सरहदी जिले फाजिलका दा दौरा कीता। सीएम ने कहा कि देश दी सुरक्षा नाल कोई समझौता नहीं होवेगा। भगवंत मान 12 अप्रैल नूं अमित शाह नूं मिलणगे ते उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस नूं अपग्रेड करन दे लई फंड दी कमी नहीं, ड्रोन नूं फड़न वाली तकनीक दी जरूरत है ते हुण राजपाल सरहदी इलाकियां दा दौरा वी करनगे। हर 3 महीनों बाद राजपाल इन्हां इलाकियां दे विच दौरा करनगे। तुहानूं दस्सीए कि कौमी सुरक्षा दे मुद्दे ते कोई समझौता ना करन ते जोर दिंदिआं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उह 12 अप्रैल नूं केंद्रीय गृह मंत्री नूं मिलणगे तां जो पंजाब पुलिस नूं अत आधुनिक तकनीकी उपकरण मुहैया करवाउंदा मुद्दा उठाया जा सके। ते इस तरह मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कंडियाली तार तों पार जमीनां वाले किसानां दा मामला भी जल्दी ही हल कर लिया जाएगा। अगली खबर है, SGPC प्रधान धामी का बयान, एक हफ्ते के अंदर शुरू किया जाएगा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सर्वसांझी गुरबाणी के प्रसारण को लेकर SGPC का वड्डा बयान आया। SGPC प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना यूट्यूब चैनल शुरू करेगी जिस उत्ते गुरबाणी का प्रसारण सीधा लाइव किया जाएगा। अगली खबर है, सुनील जाखड़ दीयां वधियां मुश्किलां, भाजपा आगू ने पुलिस दे विच दित्ती शिकायत। तो दोस्तों सुनील जाखड़ दलित भाईचारे के खिलाफ माड़े बोल इस कदर महंगे पै रहे हैं कि उन्होंने खिलाफ पूरे पंजाब का दलित भाईचारा एकजुट हो गया है। जाखड़ के खिलाफ नाभा दे विच दलित समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दे नाल ही प्रदर्शनकारियों ने जाखड़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। अगली खबर है, पंजाब बोर्ड ने प्लस टू दीयां प्रीख्यावां दी नवीं डेटशीट की जारी। तो दोस्तों पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 12वीं जमात की प्रीख्या की नवीं डेटशीट विच बदल किया। इस दे लई PSEB ने प्लस टू जमात की प्रीख्या के लिए एक नवीं डेटशीट भी जारी की है। जो विद्यार्थी इस प्रीख्या लई बैठ रहे हैं वह पंजाब बोर्ड की अधिकारित वैबसाइट पर जाके नवीं डेटशीट देख सकते हैं। अगली खबर है,
अप्रैल तो खपतकारां नूं पुराने महंगे रेट वाली बिजली मिलेगी जां फिर सस्ती PSPCL। तो दोस्तों पंजाब दे विच बिजली खपतकारां नूं पहलियां दरां ते सस्ती बिजली मिलदी रहेगी। इस गल दा प्रगटावा पावरकॉम दे CMD बलदेव सिंह सरां ने कीता। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तो बाद पंजाब दे विच अप्रैल तो पुराने महंगे रेट वाली बिजली मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि गलत अफवाहों तो बचो, पावरकॉम आने वाले समय में खपतकारां नूं आखिरी सस्ते बिजली दरां ते ही बिजली सप्लाई करता रहेगा। अगली खबर है, रेत का सरकारी भा 5.5 रुपए प्रति वर्ग फुट 30 रुपए विच लगी विकण। तो दोस्तों पंजाब विच रेत की सरकारी रेट 5.5 रुपए प्रति वर्ग फुट है, पर बाजार दे विच एह 30 रुपए वर्ग फुट तक विकदा है। नवी सरकार बनते ही सख्ती नहीं की गई। मुख्यमंत्री रहे चरणजीत चन्नी ने 3 महीनों के लिए रेत का सरकारी रेट 5.5 रुपए प्रति वर्ग फुट तय किया। मौजूदा सरकार के दौरान यह रेट बरकरार रखा गया, पर मंडी की स्थिति बिल्कुल वक्री है। नवी आप की सरकार हाले तक नवी माइनिंग नीति नहीं बनाई। इसका फायदा उठाते हुए ठेकेदार मनमर्जी के रेट के उत्ते रेता बेच रहे हैं। इस समय बाजार दे विच 200 फुट रेते दी ट्राली 6000 दे विच मिलदी है। अगली खबर है, कोविशील्ड अते कोवैक्सीन दीआं कीमतां दे विच कटौती, जाणो हुण किन्ने रुपए दे विच लगेगी बूस्टर डोज। तो दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दे CEO आधार पूनावाला ने ऐलान किया कि वह प्राइवेट हस्पतालां नूं कोरोना वैक्सीन 225 रुपए की किफायती कीमत उत्ते देणगे। अगली खबर है, यूक्रेन के राजदूत ने PM मोदी नूं कीती मदद की अपील, कहा दुनिया दे विच तनाव सिर्फ भारत ही घट कर सकता है। तो दोस्तों रूस के इस ऐलान तो बाद यूक्रेन के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के समेत कई थावां ते धमाकियां तो बाद यूक्रेन दे विच मार्शल लॉ लागू कर दिता गया। इन्ना ही नहीं, यूक्रेन ने दावा किया कि उन्होंने रूस के 5 जहाज़ ते 1 हैलीकॉप्टर नूं गोली मार दिती है। तो इस दे नाल ही यूक्रेन ने कहा कि उन्होंने इस हमले दे विच 50 रूसी सैनिक भी मारे ने। ते नाल ही भारत विच यूक्रेन दे राजदूत ने प्रधानमंत्री मोदी दे पूरे मामले विच दाखल देन दी मंग भी कीती है। तो दोस्तों यह सन अज सवेर दीआं ताज़ा ते मुख वड्डियां खबरां। जे तुहानूं साडी इह जानकारी वधिया लगदी है तो अपने दोस्तों मित्रां नाल अगे शेयर जरूर कर दिया करो। तो जे तुसी चैनल ते पहली बार आए हो जां चैनल नूं हाले तक सबसक्राइब नहीं किया तां चैनल नूं हुणे सबसक्राइब कर लियो ते नाल बने बैल नूं भी दबा दिओ, जिस नाल तुहानूं इसे तरह दी आउण वालियां नवीआं ते ताज़ा खबरां दा नोटिफिकेशन सब तो पहलां मिलदा रहूगा। तो इस वीडियो दे विच इन्ना ही, मिलदे आं किसी नैक्सट वीडियो दे विच किसी होर नवी खबर दे नाल। तां तक लई तुसी साडे नाल बने रहिओ, धन्नवाद। परमात्मा दे घर देर है पर हनेर नहीं, अजिही कोई परेशानी नहीं जिस दा कोई हल ना होवे। ज्योति सम्राट पंडित तुलसीदास जी, मन चाहे प्यारली माता पिता नूं मनाउणा, प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी च झगड़ा, सौधन दुश्मन तों छुटकारा, तलाक केस, जमीनी झगड़ा, इमीग्रेशन मसले, कर्जा मुक्ति, गुप्त वशीकरण कराओ, मन चाह प्रेमी प्रेमिका पाओ, प्यार च धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो, मैं तुहाडा प्यार टुटण नहीं देवांगा। संपर्क करो 98147 56620।